हेलो दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक है हमारा, एक मेडिसिन का रिव्यू करेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि उस दवाई को कैसे लेना है, कब लेना है और क्या उसके दुष्प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट हो सकते हैं और मार्केट में उसका प्राइस क्या है। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वो है हमारा एक सहेली टैबलेट पे, ठीक है। अगर हम सहेली टैबलेट की बात करें कि उसमें क्या होता है, हमें कैसे लेनी है, किस पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, इसके होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं, तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो पूरी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और पूरा जो आपका एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, लेने का तरीका है दवाई का, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें जो हमारी सहेली टैबलेट है वो कौन सी कंपनी बनाती है, तो जो सहेली टैबलेट है उसको बनाती है आपकी HLL लाइफ केयर पीबीटी एलटीडी। ये हमारे कंपनी का नाम है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो सहेली टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग कर। अब देखो एक चीज और है, जो हमारी सहेली टैबलेट है उस किसने डेवलप्ड किया था, जो सहेली टैबलेट है उसको डेवलप्ड किया था CDRI लखनऊ, मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सहेली डेवलप्ड बाई CDRI लखनऊ, ठीक है। और जो बनाया किसने था उस प्रोडक्ट को, मतलब लॉन्च किसने किया था, वो किया था आपका HLL लाइफ केयर PBT LTD। इतना आ गया समझ में। अब थोड़ा सा बात करें, जो हमारी सहेली टैबलेट है वो और किसी नाम से मिलता है कि नहीं मार्केट में। देखो जो सहेली टैबलेट है आपको ओपन मार्केट में OTC आप किसी भी फार्मेसी से परचेज कर सकते हो, लेकिन इसको गवर्नमेंट के अंदर रखा गया है और जो आपकी गांव में आशा बहू होती हैं उनको छाया के नाम से एक टैबलेट दिया जाता है। जो साल्ट आपके सहेली टैबलेट में होता है वही साल्ट जो छाया टैबलेट होती है जो आपके गाँव में आशा बहुएं होती हैं उनको दी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सेम साल्ट होता है। अब बात करें कि सहेली टैबलेट में और छाया टैबलेट में साल्ट कौन सा होता है, तो जो मेजर साल्ट है वो आपका है और मिलोक्सिफेन जो हमारा है वो है हमारा एक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये हमारी एक ड्रग की कैटेगरी है, उस कैटेगरी की हमारी ये ड्रग मॉलिक्यूल्स है। सहेली टैबलेट में आपका एक्टिव कंपोनेंट है हमारा और मिलोक्सिफेन, ठीक है। इतना आ गया समझ में, चाहे आप सहेली कहो चाहे आप छाया कहो, आपका जो कंपोनेंट है सेम साल्ट है दोनों के केस में। अगर हम बात करें जो सहेली टैबलेट है उसमें कितनी mg आपका जो साल्ट है वो कितना रहता है, वो रहता है आपका 30 mg, मतलब 30 mg दवाई की मात्रा रहेगी उसमें। जो सहेली टैबलेट है उसकी एक स्ट्रिप में आपको 8 tablets मिलेंगी, मतलब 8 सिंगल स्ट्रिप में आपको 8 tablets मिलेंगी और 1 tablet का जो क्वांटिटी होगा वो होगा आपका 30 mg, मतलब 30 mg, ठीक है। आप चाहे ओपन मार्केट आप फार्मेसी से परचेस कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट सप्लाई में भी आती हैं, जो आपकी आशा बहुएं होती हैं वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में, क्यों लेना है हमें, मतलब उसका उपयोग क्या है, यूज क्या है। तो इसको हम बोलते हैं, जो हमारा जो सहेली टैबलेट है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम गर्भ निरोधक गोलियां। मतलब किसी लेडी को, किसी भी फीमेल्स को जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है वो, तो वो पर्सन, वो लेडी इस टैबलेट्स को ले सकती है। आपको याद रखना है केवल लेडी के लिए है, फीमेल्स के लिए है, ये टैबलेट मेल यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे काम कर रहा है, तो ये ओनली फॉर लेडी, ठीक है। क्लियर बात आ गई समझ में। जो लेडीज प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है, वो चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, ठीक है। मान लो कोई अनमैरिड कपल है और जिसने इंटरकोर्स किया, सेक्स किया और गलती से स्पर्म एंट्री कर गया और उसको प्रेगनेंसी के चांस हो गए, तो उस केस में भी यूज कर सकते हैं। या फिर कोई मैरिड कपल है और उसने इंटरकोर्स करना चाहता है, वो कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है उसने, और उस तरीके से अगर कोई प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में भी आप सहेली टैबलेट का यूज कर सकते हो। दूसरी सबसे अच्छी बात इस टैबलेट में यह है कि यह आपकी नॉन स्टेरॉयडल है। अगर नॉन स्टेरॉयडल टैबलेट है तो इसका जो साइड इफेक्ट है, जो आपके दुष्प्रभाव होने हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत ही माइनर माने जाते हैं, या फिर हम बोले निग्लिजिबल होते हैं वो, ठीक है। अगर हम दूसरे से इसका कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में जो इसके दुष्प्रभाव है सहेली या छाया टैबलेट के, वो बहुत कम है। इसीलिए आप जो आपकी सहेली टैबलेट है और मेलोक्सिफेन जो साल्ट है उसको सेफेस्ट कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर, ये आ गया समझ में। उपयोग मतलब ऐसी लेडी जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, जो अभी गर्भ को अपने नहीं रोकना चाहती हैं, जिनको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, उस केस में हम सहेली टैबलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस टैबलेट को लेने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देखो एक ड्रग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या हमारी नॉन स्टेरॉयडल है, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी है,
लेकिन अगर हम दूसरे मेडिसिन से कंपेयर करें तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी इसमें कम है। तो डिस्कस करेंगे जो हमारे माइनर साइड इफेक्ट आ सकती है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट आपको किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपका डिस्टर्बेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो आपका पीरियड्स है वो इररेगुलर हो जाएंगे, कभी हैवी ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे, कभी लाइट ब्लीडिंग के चांस हो जाएंगे, या फिर जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिले भी हो सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेस ऑफ ब्रेस्ट या फिर ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है या फिर बहुत ज्यादा ब्रेस्ट में टाइटनेस आ जाए, उसकी वजह से आपको लेडीज को पेन का सेंसेशन होता है ब्रेस्ट में। जो नंबर थर्ड सबसे मेजर साइड इफेक्ट देखा गया है आपका सैली टेबलेट में या फिर छाया टेबलेट में, वो आपका नोजिया वॉमिटिंग, मतलब उल्टी की संभावना हो सकती है, आपको नोजिया की दिक्कत आ सकती है, या फिर इसके अलावा माइग्रेन भी किसी किसी पेशेंट में देखा गया है। उसके अलावा आपका गैस्ट्रिक अपसेट, मतलब पेट भी आपका खराब हो सकता है इसके लेने से। इसके अलावा कुछ है कार्डियोवैस्कुलर भी इफेक्ट पड़ते हैं इसके, बीपी राइज होने की संभावना हो जाती है। ये मेजर साइड इफेक्ट है और बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है, मोस्ट ऑफ दी लेडीज में ये आपको सीन मिलेंगे। क्लियर। अगर हम बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, देखो कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है कि इस दवा को हम कौन से पेशेंट में, कौन से लेडीज में, कौन से इंडिविजुअल में नहीं दे सकते हैं। सबसे पहला आंसर इसका है, अगर कोई लेडीज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस से सफर कर रही है, या फिर लीवर डिजीज है, या फिर किडनी डिजीज है, या फिर उसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो उस केस में हम सहेली या फिर जो इसका साल्ट है और मिलोक्सिफेन को बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, उस पेशेंट को बिल्कुल भी हम नहीं देंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग में है, मतलब स्तनपान करा रही है, अगर कोई लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग में स्तनपान करा रही है तो वो 6 मंथ तक इस टैबलेट को ना ले। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपको इस टैबलेट को यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो ट्रेसेस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंश हैं, वो आपके मिल्क में चले जाएंगे, और मिल्क में जाने के बाद जो आपका बेबी है फीडिंग कर रहा है, वो आपके मॉलिक्यूल्स आपके बेबी में चले जाएंगे, जो कि हमें डिजायरेबल नहीं है। हमें उस मॉलिक्यूल्स को बच्चे तक पहुंचने के लिए हमें रोकना है। क्लियर। और हम समझ लें कि जो हमारी सहेली टैबलेट है वो कैसे काम करती है, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है, तो इसमें सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, क्या है हमारी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो सबसे पहला इसका एक्शन क्या है कि जो स्पर्म एंट्री है, स्पर्म एंट्री को रोकता है। इसके अलावा जो आपका ओवल्यूशन हो रहा है उसको इनहिबिट करता है। क्वेश्चन आता है कि इस टैबलेट के बारे में हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सीख लिया, समझ लिया, अब हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें इस टैबलेट को लेना कैसे है। तो देखो सबसे मैंने कि आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन स्टेरॉयडल है, इसके साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लीस्ट है दूसरे दवाओं की अपेक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका समझने का कि लेना कैसे है। इसकी स्ट्रिप अगर आप परचेज करोगे या फिर आप डिस्प्ले में यहाँ पे विजिबल हो रहा है तो उसमें लिखा होता है टू टैबलेट्स हैं, आपको वीकली लेना है। लेकिन आपको शुरुआत ऐसे करनी है, पहले शुरुआत में 3 मंथ आपको लेना है, सप्ताह में 2 बार एक टैबलेट। कैसे लेना है, शुरुआत में 3 मंथ तक आपको लेना है 2 टैबलेट एक सप्ताह में। जैसे कि मान लो आपका पीरियड आज स्टार्ट हुआ, मान लो आपका पीरियड संडे को स्टार्ट हुआ, तो आपको तीसरे दिन दूसरी टैबलेट लेनी है। तो संडे के बाद मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, मतलब वेडनेसडे को पहला डोज आपने एक टैबलेट ले लिया आपने संडे को, अब आपको तीसरे दिन लेनी है, मतलब थर्ड डेज दूसरा डोज आपका होगा मंडे ट्यूसडे, मतलब जो आपका वेडनेसडे को है वो आपका दूसरा डोज होगा। ऐसे ही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको 3 मंथ तक। क्लियर। 3 मंथ तक 2 टैबलेट लेना है एक सप्ताह में, उसके बाद आपको लेना है 1 टैबलेट जब तक आपको डिजायरेबल है, जब तक आप अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना चाहते हो उस टाइम पे आपको लेना है सिंगल टैबलेट इन ए वीक। क्लियर। जैसे कि मान लो आपने 3 मंथ तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सप्ताह में 2 बार टैबलेट लिया है, अब क्या करना है आपको, मान लो 3 मंथ के बाद जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि हमें अपनी टैबलेट मंडे को लेनी है, तो आपको क्या करना है, मंडे टू मंडे आप रखिए सीधा। क्लियर। मंडे टू मंडे आपको लेनी है, तो सिंपल सा आपका प्रोसीजर रहेगा कि सप्ताह में आप एक बार उस दवाई को आसानी से ले सकते हो। आप उसके लिए आप कैलेंडर भी बना सकते हो याद रखने के लिए, फिर आप मोबाइल पे अपने अलार्म भी लगा सकते हो, फिर आप कहीं पे अपने डायरी में या फिर अपने दीवार पे जहां पे सोते हो बेडरूम में वहां पे लिख लीजिए कि हमें किस टाइम पे लेनी है और किस दिन लेनी है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर है और बहुत अच्छे से समझना है आपको, गलती नहीं करनी है, जो दवाई जैसे लेनी है वैसे ही लेना है।
अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमें लेना कैसे है, तो आपको पानी के साथ लेना है आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद खाली पेट आप प्रयास करिए ना लीजिए। अगर आप खाली पेट दवाइयां लेते हो तो उससे दिक्कतें आती है। हाँ, कुछ मेडिसिन होती हैं जो स्पेशली आपको इम्पटी स्टमक भी रिकमेंड की जाती हैं, लेकिन अगर आपको ये ना बताया जाए कि इसको कैसे लेना है तो आप उस मेडिसिन को इम्पटी स्टमक बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप इम्पटी स्टमक ले रहे हो तो GIT में डिस्टर्बेंस के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को आपको आफ्टर मील लेना है, खाने के साथ लेना है विद वाटर, ठीक है, फ्रेश पानी के साथ आपको लेना है। कि वीडियो में इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन ये बच रहा है कि हमने भाई दवाइयां ले ली, सहेली भी ले ली और छाया ले ली, अब हमारे मन में आ रहा है कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। उस केस में आपको करना ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो उसके एक मंथ पहले, मतलब एक महीने पहले आप उस दवा को लेना बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, अपने मतलब प्रेगनेंसी चाहिए, आपको गर्भ चाहिए, तो उसके लिए आप एक मंथ पहले अपनी दवाइयां बंद कर दीजिए, आपकी प्रेगनेंसी इजिली बिल्कुल कंसीव हो जाएगी, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आपको किसी भी दवाओं से साइड इफेक्ट आ रहा है, दुष्प्रभाव आ रहा है, तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है वो अपने आप खत्म हो जाए। अगर वो आपका दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट अपने आप नहीं खत्म हो रहा है तो आप एज सून पॉसिबल किसी भी फार्मासिस्ट या फिर किसी फिजिशियन से रिकमेंड करिए, तुरंत विजिट करिए और उससे बताइए इस दवा की वजह से हमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप किसी भी दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट को इग्नोर मत करिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।